नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं आस्था हाजिर हूँ दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यूपी ट्रिपल एससी ने प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी पेट की आंसर की जारी कर दी है। लंबे इंतजार के बाद अब उम्मीदवार पेट प्रोविजनल आंसर को देख सकते हैं। जो उम्मीदवार एग्जाम में शामिल हुए थे वे ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। पेट आंसर की से उम्मीदवार अपने नंबरों का अनुमान लगा सकते हैं। साथ ही जो उम्मीदवार किसी आंसर से संतुष्ट नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट दी गई तारीख के अंदर आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवार को अपना पंजीकरण नंबर रोल नंबर दर्ज करके आपत्ति विंडो पर लॉगिन करना होगा और जिस प्रश्न पर आपत्ति उठानी है उसे चुनकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से पहली बार स्टाफ नर्स यूनानी की भर्ती की जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बहुत जल्द इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आयोग को आयुष विभाग की तरफ से अब तक 27 पदों का अधियाचन मिल चुका है। वहीं आयोग के अधिकारियों की माने तो नियमावली से लेकर परीक्षा पैटर्न की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इससे पहले आयोग ने स्टाफ नर्स आयुर्वेद की भर्ती भी पहली बार निकाली थी। प्रदेश के लोगों की समस्याओं को सुनने और उनकी समस्याओं पर त्वरित व एक्शन के लिए शुरू की गई डायल 112 खुद ही समस्याओं से ग्रसित नजर आ रही है। 112 से जुड़ी महिला कर्मचारियों ने आखिरकार हैरान परेशान होकर प्रदर्शन का रास्ता अपना लिया है। लखनऊ के अर्जुनगंज स्थित डायल 112 के कार्यालय में कार्यरत हजारों महिला संविदा कर्मियों ने आज फिर जोरदार हंगामा किया। डायल 112 की संविदा कर्मी समय पर वेतन न मिलने, नियुक्ति पत्र न देने, वेतन बढ़ोतरी न होने और PF न कटने से नाराज है। महिला कर्मचारियों के प्रदर्शन के चलते डायल 112 का काम प्रभावित हो रहा है। धरने पर बैठी महिला संविदा कर्मियों का कहना है कि वह पिछले 4 साल से 12,000 वेतन पर ही कार्य कर रही हैं। 4 साल से उनके वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही है, जिससे संविदा कर्मियों में काफी नाराजगी है। नोएडा में रेप पार्टी में सांप के जहर की सप्लाई के मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए बिग बॉस विनर एल्विश यादव को नोटिस भेजा है। नोएडा जोन के DCP हरीश चंद्र ने कहा कि वह जल्द पेश होकर जांच में सहयोग करे। नोएडा पुलिस को मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों के रिमांड भी मिल सकती है। मुमकिन है कि पुलिस एल्विश को आरोपियों के सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। एल्विश पर रेप पार्टी में सांप का जहर लाने का आरोप लगा है। जानकारी के लिए बता दें कि रेप पार्टी के लिए सांप के जहर की सप्लाई करने वाले गिरोह को पकड़ा गया है। इसके बाद इस मामले में बिग बॉस OTT विनर एल्विश यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत FIR दर्ज की गई है। यूपी में पहली बार आर्मी डे परेड का लखनऊ में आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के तहत लखनऊ के विभिन्न स्थलों और अलग अलग इमारतों को सजाने और संवारने का काम भी चल रहा है। इसी के चलते यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आर्मी डे परेड की तैयारियों की समीक्षा की। लखनऊ में आयोजित होने वाले आर्मी डे परेड के चलते 13 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक राजधानी में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्य सचिव ने संबंधित सभी अधिकारियों को आर्मी डे परेड पर सभी तैयारियों को सेना विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर समय से पूरा करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ में पहली बार 13 से 15 जनवरी तक आर्मी डे परेड का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत लखनऊ को खास तौर से कैंट क्षेत्र में तैयारियों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे लखनऊ आने वाले लोगों को बदलाव का एहसास हो सके। यूपी के अयोध्या में 11 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव से पूर्व रामनगरी में कैबिनेट बैठक का आयोजन होने जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक 9 नवंबर को अयोध्या स्थित अंतर्राष्ट्रीय कथा धाम में होगी। ऐसे में शासन की ओर से सभी कैबिनेट मंत्रियों को 9 नवंबर को कैबिनेट बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के गठन सहित अन्य प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। वहीं अगले वर्ष 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पूर्व अयोध्या में होने वाली ये बैठक खास मानी जा रही है। इस बैठक में अयोध्या से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा की जा सकती है। उत्तर प्रदेश का शहर अलीगढ़ अब हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा। अलीगढ़ जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव नगर निगम से पास हो गया है। अब इस फैसले पर प्रशासन की मुहर का इंतजार है, जिसके बाद अलीगढ़ हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा। अलीगढ़ के मेयर प्रशांत सिंगल ने आज यानी मंगलवार को कहा कि कल एक बैठक में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिस पर सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से इसके नाम का समर्थन किया है। उन्होंने आगे कहा कि अब ये प्रस्ताव प्रशासन को भेजा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन इस पर संज्ञान लेगा और अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की हमारी मांग को पूरा करेगा। ये मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। ताला नगरी का नाम बदलने का ये प्रस्ताव बीजेपी पार्षद संजय पंडित के सुझावों पर पास किया गया है। यूपी के 5 अस्पतालों में ई ऑफिस प्रणाली को लागू किया जाएगा। इसके लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि ई ऑफिस एक डिजिटल वर्क प्लेस सोल्यूशन है। 5 अस्पतालों में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने के लिए धनराशि अवमुक्त करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए 7,134.90 लाख रुपए के बजट की व्यवस्था है। इसका मकसद कार्यालय के सभी पत्रावली फाइल का डिजिटलाइजेशन करना है।
इसका बड़ा फायदा ये होगा कि फाइल व पत्रावलियों को तलाशना आसान हो सकेगा, कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी, फाइलों के गायब होने की समस्या दूर होगी और अगर ऐसा होता है तो उन्हें आसानी से खोजा जा सकेगा। बता दें कि वर्तमान समय में ई ऑफिस प्रणाली सचिवालय में लागू है। देश की राजधानी दिल्ली में हवा बेहद प्रदूषित हो गई है और दिन प्रतिदिन स्थिति खराब होती जा रही है। इससे बारिश के बिना कम करना बेहद मुश्किल है। ऐसे में IIT कानपुर की आर्टिफिशियल रेन जो अब दिल्ली की प्रदूषित हवा को सुधारेगी और ऐसा संभव होगा क्लाउड सीडिंग की मदद से होने वाली कृत्रिम बारिश से, जो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करेगी। दिल्ली सरकार और IIT कानपुर के बीच कृत्रिम बारिश कराने को लेकर बात की जा रही है। जल्द ही प्रस्ताव मिलने पर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि विमानों के जरिए बादलों पर विशेष प्रकार के केमिकल का छिड़काव किया जाता है जिसके जरिए कृत्रिम बारिश की जाती है। IIT कानपुर ने जुलाई माह में इसका परीक्षण भी किया था। प्रदेश के डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत योगी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर ब्राजील की दो बड़ी कंपनियों ने प्रदेश की आनंदा डेयरी के साथ मिलकर पोषण युक्त पशु चारा निर्माण और गौवंश नस्ल सुधार के लिए साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ नोब्रेगा की उपस्थिति में आनंदा डेयरी के साथ ब्राजीलियन कंपनी अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस के साथ औपचारिक MOU साइन किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश आए ब्राजीलियन प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत एवं ब्राजील के संबंध सदा मैत्रीपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच आपसी समझ बढ़ाते हुए द्विपक्षीय व्यापार तथा सर्वांगीण सहयोग है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।